निकाल देना। हाय गाइस, आई एम प्रियंका, आई एम बैक। आज मेरे यहाँ पार्टी थी और ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं। हेलो। और आज देखिए मैंने हमने इतना सारा खाना मैंने बनाया है, लेकिन मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरा है IFB नेपच्यून डिशवॉशर। अब कितनी भी पार्टी कर लो यार, अब टेंशन फ्री, अब रात में ये चिंता नहीं है मुझे कि बर्तन कैसे होगा, सुबह बेटा है या नहीं है। सोचना नहीं पड़ेगा पार्टी करने के लिए कि मुझे बर्तन कैसे वॉश करना है, क्योंकि डिशवॉशर ऑलरेडी मौजूद है। हाँ, सब रखो एक साथ, सब एक साथ हो जाएगा। बस बस करके तो अभी इसमें बड़ा भी होना भी धुल जाएगा ये। हाँ यार, इसमें बिल्कुल ये मैंने अपना पहले वीडियो में दिखाया था कि उसमें केवल बड़ा सा मैंने कुकर दिखाया था, तो उससे मैंने कैपेसिटी दिखाई थी, तो ये मैं दो तीन बार धुल चुकी है इतना बड़ा। तो भाभी हमने इसको ओपन करके दिखा। हाँ हाँ, ये लो, ये है। तो आप भगोना कहाँ पे रखती हो? ये भगोना मैं ये नीचे वाला, नीचे वाले इसमें बास्केट पे उल्टा करके। पहले इसको साफ पानी से वॉश करना पड़ता है। कुछ नहीं, बस इसे पलट के रख दो और बस इसके अंदर रख दो, और इसमें है ना बस ये सॉल्ट डाल दो या फिर आजकल टेबलेट आपके वो डाल दो और इसे बंद कर दो और लगा दो और सो जाओ। टाइम की काफी बचत है आपकी। हाँ, अपने टाइम की काफी वो है, बिल्कुल जैसे फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, सेम ये डिशवॉशर वैसे ही काम करता है। उसमें ये भी हेडेक नहीं रही कि अब कैसे बर्तन, आप जिसमें 13 प्लेट है, एक बार में अगर केवल प्लेट ही धुलना है तो 13 प्लेट धुल जाएंगी, और वो भी अगर आप ना ज्यादा टाइम मत लगाइए, 50 लगा दीजिए तो 50 मिनट में बढ़िया सूख के आपके हाथ में आ जाएंगे। और इतनी अच्छी वॉशिंग क्वालिटी होती है, आप शायद पीछे नहीं तो प्लेट पड़ी होगी, लेकिन जाती हूँ मैं आपको, तो उतनी आप हाथ से नहीं धो सकते, ये मेरा दावा है। इतनी बढ़िया क्लीनिंग करता है, लेकिन बस इसमें एल्युमिनियम नहीं। अभी हमने इसकी सफाई देखी है, मैंने इसके बर्तन देखे हैं धुले, तो बहुत अच्छे धुले हैं, चमकते हैं, इंसान की तरह की धुले, जैसे कि इंसान इंसान वाली जो थी वो खुद कहने लगी कि ऐसा इतने चमकते दो बर्तन तो हम भी नहीं धो सकते। नहीं बिल्कुल यार, मैं चाहूंगी आप लोग मस्त ये खरीदिए, है नहीं ये है। सब दिखाने के लिए भारी प्लास्टिक बर्तन है इसमें, वो हां अमेजिंग, लेकिन हल्लाइट प्लास्टिक और एल्युमिनियम का वॉश नहीं हो सकता। बस इसका ध्यान रखना, बाकी सब धुल जाएगा। तो युवा करते हैं। तो गाइस, तो आज का वीडियो यही रहा, बस आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही मेरे हमारे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।